नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास है Redmi Note 13 5G मोबाइल, यानी कि 13 Pro 5G मोबाइल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद फिंगरप्रिंट अनलॉक पर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर किसी भी एक पर आपको क्लिक करना है। मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गॉट इट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पैटर्न डालने के लिए आएगा, तो जो भी आप पैटर्न रखना चाहते हो उसको डाल लीजिए। उसके बाद फिर से कंफर्म कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर गॉट इट पर फिर से क्लिक करना और डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको आपको स्कैन करवा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिंगर को स्कैन करवा रहा हूँ, आपको भी अच्छे से फिंगर को स्कैन करवाना है। जितना ही अच्छे से आप फिंगर स्कैन करवाएंगे उतना ही आपका फिंगरप्रिंट जो है अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर डन हो चुका है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे फेस को और डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों आपको एक फिंगरप्रिंट लग चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पर देखिए ये फिंगरप्रिंट शो हो रहा है, देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।